Welcome to Birla Navya, an integrated township of high and low rise floors that is spread over 47 acres of land. This entire parcel of 47 acres is being divided into 5 pockets, among which 3 pockets Amoda 1, Amoda 2 and Drisha, which are collectively spread in 10 acres, were launched back in 2020. Which consisted of 2, 3 and 4 BHK low-rise premium floors. Birla Navya is located in Sector 63A Golf Course Extension Road of Gurgaon. That is an integrated, fully gated community of 47 acres. As I told you before ki ye jo total parcel hai 47 acre ka, it is divided into 5 pockets jismein se ki मार्च 2020 में बिरला स्टेट ने 3 पॉकेट्स अमोदा 1, अमोदा 2 और द्रिशा में फ्लोर्स लॉन्च किए थे, जिसमें कि लगभग आपकी एंटायर इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। लेकिन द्रिशा के अंदर अगले 5 से 10 दिन के अंदर डेवलपर इज़ गोइंग टू लॉन्च 48 लो राइज प्रीमियम फ्लोर्स, क्योंकि 12 प्लॉट्स उसमें से बचे हुए थे, जिसमें कि आने वाले टाइम में बिरला फ्लोर्स लॉन्च कर रहा है। अदर देन दिस देयर इज़ अनदर एंटायर न्यू पॉकेट ऑफ 3 एकर जस्ट अक्रॉस 60 मीटर ऑफ रोड, जिसमें कि 120 लो राइज प्रीमियम 3.5 और 4.5 BHK फ्लोर्स बिरला आने वाले टाइम में द्रिशा के साथ ही लॉन्च करेगा। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि द्रिशा पॉकेट के अंदर कौन कौन से वो फ्लोर या प्लॉट्स बचे हुए थे जिस पर डेवलपर्स अगले 5 से 10 दिन के अंदर फ्लोर लॉन्च करने वाला है, और उसी के साथ ही मैं उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो नई पॉकेट जहाँ पर 120 3.5 और 4.5 BHK लो राइज प्रीमियम फ्लोर लॉन्च होंगे। तो आइए देखते हैं एक बार ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एमिनिटीज़ की और जो भी अदर फीचर्स हैं। So this is the pocket Drisha of Birla Navya, which is spread over 4 acres of land. The total numbers of plot in here are 30, jismein ki, as I told you earlier, Amoda 1, Amoda 2 aur Drisha mein Birla Estate ne 2020 March ke aas paas floors launch kiye the, जिसमें कि द्रिशा में आपके 12 प्लॉट्स अवेलेबल है, जिस पे कि अगले 5 से 10 दिन के अंदर बिरला स्टेट इज़ गोइंग टू लॉन्च लो राइज प्रीमियम फ्लोर्स, 3 BHK लो राइज प्रीमियम फ्लोर्स होंगे। 6 प्लॉट्स ये इस साइड के हैं, जिस पे कि आपके टोटल नंबर्स ऑफ फ्लोर्स विल बी 24। ये पार्क एरिया है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम फ्लोर्स हैं आपके दैट विल बी फेसिंग दिस ग्रीन पार्क। और 3 प्लॉट्स ये है जिसपे कि 12 फ्लोर्स लॉन्च होंगे, और 3 प्लॉट्स यहाँ पे है जिसपे कि अगेन 12 प्रीमियम फ्लोर्स लॉन्च होंगे। तो टोटल फ्लोर जो लॉन्च होंगे द्रिशा पॉकेट में दोज विल बी 48, और अगले 5 से 10 दिन के अंदर द डेवलपर इज़ गोइंग टू लॉन्च देम। और ये अगर आप देखेंगे तो ये आपकी सेक्टर रोड है 60 मीटर की, जिसमें कि 12 मीटर की आपकी सर्विस रोड लगती है दोनों तरफ में, और जस्ट इस 60 मीटर के अक्रॉस एक 3 एकड़ की एंटायरली न्यू पॉकेट लॉन्च करने वाला है बिरला, जो कि द्रिशा के इन फ्लोर्स के साथ ही लॉन्च होगी। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपकी द्रिशा पॉकेट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया 6 प्लॉट्स ये वाले हैं, 3 प्लॉट्स यहाँ और 3 प्लॉट्स यहाँ पर लॉन्च होंगे। ये जो रोड मैंने आपको बताई थी 60 मीटर की रोड है, सेक्टर रोड है, दोनों तरफ आपके 12 मीटर की सर्विस रोड लगती है। जस्ट द्रिशा के अक्रॉस आपकी ये पॉकेट है, ये वाली पॉकेट जो मैंने आपको दिखाई है, इसमें जो आप देख रहे हो, ये टोटल आपकी 3 एकड़ की है, जिसमें कि टोटल नंबर्स ऑफ प्लॉट्स आर 30, जिसमें कि 120 फ्लोर्स लॉन्च होने वाले हैं। स्पेसिफिकेशन जो रहेगी वो 3.5 और 4.5 BHK की रहेगी। स्टार्टिंग के जो 6 प्लॉट्स हैं इसमें आपके 4.5 BHK होंगे, और जो बाकी आपके रिमेनिंग प्लॉट्स हैं इनमें डेवलपर इज़ गोइंग टू लॉन्च 3.5 BHK। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि द्रिशा पॉकेट कहाँ पे लोकेटेड है, और किस तरह से जो नई पॉकेट है जहाँ पे 120 फ्लोर आने वाले हैं वहाँ पे वो किस तरह से लोकेटेड है और किस तरह से वहाँ पे फ्लोर्स लॉन्च होंगे। सो लेट मी टेल यू अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दीज 3.5, 4.5 और 3 BHK फ्लोर्स विच आर गोइंग टू लॉन्च इन द्रिशा पॉकेट और जो अक्रॉस द रोड नई पॉकेट हैं उसमें होने वाले हैं।
आप बात करते हैं दृशा की, तो ये जो आपके स्पेसिफिकेशंस रहेगी वो 3 BHK की रहेगी, ऑलमोस्ट जैसे आपके पहले फ्लोर्स बने हुए हैं। जो आपने सैंपल अपार्टमेंट देखा है, जो ऑफिस है वो दृशा पॉकेट के अंदर ही आता है। अगर आप उसका सैंपल अपार्टमेंट देखोगे तो उसी तरह से ही 3 BHK लॉन्च होने वाले हैं पुरानी FAR के साथ ही दृशा पॉकेट में। अब बात करते हैं 3.5 BHK और 4.5 BHK की। उसका जो सैंपल अपार्टमेंट है वो अभी लॉन्च हो रहा है, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पे उसका काम चल रहा है। अब बात करते हैं 3.5 और 4.5 BHK की। तो 3.5 BHK में अगर हम बात करते हैं पुरानी पॉकेट्स की, तो वहां पे आपको फर्स्ट फ्लोर में सर्वेंट रूम मिलता था, एक यूटिलिटी एरिया मिलता था, आप उसको एज ए सर्वेंट रूम या स्टडी रूम यूज़ कर सकते थे। लेकिन जो नई पॉकेट है उसमें थोड़े से चेंजेस है। उसमें क्या है कि उसको पंक्चर करके आपको बेसमेंट में जाने के लिए स्टेयर केस दे दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक डुप्लेक्स की फीलिंग मिलती है उससे। तो स्टिल्ट एरिया की बात करें तो जो स्टेयर केस आपके स्टिल्ट एरिया से नीचे की ओर जाते थे बेसमेंट में जाने के लिए, वो इस फॉर्मेट में डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। फर्स्ट फ्लोर के अलावा जैसे आपका पुराना जो फॉर्मेट था, आपको ऊपर ही जो एक यूटिलिटी रूम मिलता था वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। जो ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर की हो रही है। अब करते हैं बात 4.5 BHK की। तो 4.5 BHK में यूटिलिटी रूम की जगह क्या किया है कि वहाँ से आपको प्राइवेट लिफ्ट्स दे दी गई है, जो कि आपको कनेक्ट करती है इंटरनली आपकी बेसमेंट से। और बात करते हैं स्टिल्ट एरिया से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की, तो वो डेफिनेटली रहेगी। अगर कहीं आपकी लिफ्ट वगैरह ख़राब हो जाती है तो इमरजेंसी की सिचुएशन में यू कैन ऑलवेज़ यूज़ द स्टेयर केस। तो ये थी आपकी 3.5 BHK और 4.5 BHK की स्पेसिफिकेशन, जो कि अगले 5 से 10 दिन के अंदर ये फ्लोर्स लॉन्च होने वाले हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन स्टेटस ऑफ बिरला नव्या, एज यू कैन नोटिस इन दिस वीडियो द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमोदा वन पॉकेट इज इन फुल स्विंग एंड डेवलपर इज सपोज टू ऑफर पोजेशन ऑन और बिफोर June 2024 एज पर द रेरा गाइडलाइंस। सो लेट्स टॉक अबाउट द एमिनिटीज़ ऑफ बिरला नव्या। एमिनिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। बिरला नव्या विल हैव मल्टी लेवल ऑफ सिक्योरिटी, कंट्रोल एक्सेस आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे, कई जगहों पर आपके सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट होंगे, आपके वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी होगी, इंटरकॉम फैसिलिटी होगी, आपके डिजिटल लॉक और कैमराज इंस्टॉल होंगे। अब बात करते हैं फायर सेफ्टी की। बिरला नव्या के हर फ्लोर पर फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल होंगे विद द होज रेल। होज रेल की अगर बात करें तो मेनली जो हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं या हाई राइज आपके कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं उसी में ही आपके होज रेल दिया जाता है। लेकिन टू मेक यू फील सेफ एंड सिक्योर, आपके बिरला में अपार्टमेंट्स में होज रेल का भी प्रोविज़न दिया गया है। उसके अलावा स्ट्रीट में भी आपके इंटरवल पर कई जगहों पर फायर हाइड्रेंट इंस्टॉल किए जाएंगे। इसी के साथ साथ हर प्लॉट के ओवरहेड पर एक वाटर टैंक भी इंस्टॉल किया जाएगा फॉर इमरजेंसी केसेस। अब बात करते हैं चाइल्ड सेफ्टी की। चाइल्ड सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू कीप दैट थिंग इन माइंड। बिरला नव्या में हर प्लॉट के अप्रॉक्सीमेटी में चिल्ड्रन प्ले एरियाज़ बनाए गए हैं, सो दैट के आपके बच्चे जब खेलते हैं तो वो आपके घर से नज़दीक ही रह सके, आप उन पर नज़र रख सको। अदर देन दैट आपके रैंप एरियाज़ बनाए गए हैं बेबी स्ट्रॉलर्स को एक्सेसिबल कराने के लिए, उन पर आसानी से ले जाने के लिए। अदर देन दैट अगर आप अपार्टमेंट की बालकनी को नोटिस करोगे तो दैट इज़ 1.1 मीटर हाई और उसमें स्टील रेलिंग के साथ टफन ग्लास का यूज़ किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं आपके बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करता है। अब बात करते हैं एयर प्योरीफिकेशन की। एयर क्वालिटी आज की डेट में मेट्रो सिटीज़ के अंदर बहुत ख़राब है और एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है ये लोगों के लिए। टू कीप दैट थिंग इन माइंड, बिरला नव्या में ऑक्सीजन रिच प्लांट्स प्लांट किए जाएंगे। उसके अलावा आपके लैंडस्केप ग्रीन होगा। और जो सबसे बेस्ट फीचर है बिरला नव्या के अंदर, के बहुत सारी लोकेशन में बिरला नव्या के अंदर एयर प्योरीफायर्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि इंश्योर करता है कि जब आप बाहर निकलो और आपके बच्चे बाहर निकले तो ऑक्सीजन की जो लेवल है, ऑक्सीजन की जो प्योरिटी है वो सही रहे। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। बिरला नव्या की कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है सेक्टर 55-56, जो कि बिरला नव्या की लोकेशन से 2 से 2.5 किलोमीटर ही होगा। उसके अलावा अब बात करते हैं रिटेल मार्केट्स की। तो पास ही में पारस की मार्केट है,
अदानी की मिरेकल माइल भी जल्दी ही ऑपरेशनल हो जाएगी। अदर देन दैट भारती वॉलमार्ट है, अरबाना है, AIPL जॉय स्ट्रीट है, उसी तरह से बहुत सी मार्केट बिल्कुल आपके 100 से 200-300 मीटर के डायमीटर में है। अगर बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, आपके जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं लाइक आर्टेमिस हो गया, पार्क हॉस्पिटल हो गया, मेदांता हो गया, वो आपके 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। स्कूल्स की बात करें तो सेंट जेवियर, आपका DPS हेरिटेज स्कूल आपके 200 से 300 मीटर के ही डायमीटर में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा एमिनिटीज़ की अगर बात करें तो आपको जो भी एक हाई एंड सोसाइटी के अंदर एमिनिटीज़ होती है, जॉगिंग ट्रैक, मेडिटेशन गार्डन, MP थिएटर, वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस, इसमें आपका 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा विच इज़ फुली लोडेड विद ऑल काइंड ऑफ वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़। At Birla Navya, two plots are combined together to give you a wide entrance, two lifts and a wide staircase, and Navya will have 2 apartments per floor. Further, the structure consists basement plus tilt plus 4 floors, where the basement goes to the first floor owner and terrace will go to the 4th floor owner. Car parkings will be allocated on street area where 3 car parks each goes to 1st floor owner and 4th floor owners and 2 car parks each goes to the middle floor owners. Now we are heading towards the entrance lobby of these low-rise premium floors, and as you can notice that there is a wide staircase along with 2 passenger lifts that assist you to get to your apartment. Going downstairs, you will reach the basement area, which is exclusively for first floor owners. And as you can see, the entrance lobby and basement area, there are cameras installed for your safety. Proceeding further, you will enter into this spacious and beautiful basement area, which comes with a wet point and a sunken court. This basement area can be used for many activities, best suited for you and your family. Now this is a beautiful and spacious sunken court attached with this spacious basement, and if you notice, you are getting a proper sunlight in here, which makes you feel that you are sitting at your apartment balcony. So basically the basement at Birla Navya doesn't feel like a basement. So ye terrace area hai Birla Navya ka. अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 2 एंट्री गेट आपको मिलेंगे। एक गेट जो है वो AC यूनिट्स के लिए है, जहाँ पे छत को बिल्कुल सेपरेट किया गया है, और ये जो दूसरी एंट्री है वो 4th फ्लोर ओनर के लिए है। एंड व्हेन यू एंटर द टेरेस एरिया, यू विल नोटिस दैट दिस इज़ वेरी स्पेशियस एंड ब्यूटीफुली डिज़ाइन विद आर्टिफिशियल ग्रास। यहाँ से आप देखोगे कि AC यूनिट्स का एरिया बिल्कुल सेपरेट है इस टेरेस से, विच गिव्स यू द प्राइवेसी, और कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चे छत पे खेलते हैं तो उनको एक सेफ्टी का फीलिंग देता है। सो गोइंग अपस्टेयर्स फ्रॉम द स्टिल्ट एरिया, यू विल रीच टू द अपार्टमेंट। And if you notice, the door is made of hardwood that comes with a digital lock and a video camera facility that ensures the safety of your family. Just after you enter the apartment, there is first bedroom, and builder is providing with laminated wooden flooring and VRV AC fitting. Yeah.
The washroom comes with all the bath fittings of top brands. So this is the living and dining area, and builder is providing with marble flooring and VRV AC fittings. This is a beautifully designed balcony which is accessible from living as well as master bedroom. The builder is providing laminated wooden flooring here. The developer is offering fully modular kitchen with chimney, hob and geyser. This is a utility balcony which is accessible from kitchen area. Now we are entering the second bedroom. Here in the toilet area, builder is providing with all the bath fittings. And in bedroom area, builder is offering laminated wooden flooring and VRV AC fittings. So this is the balcony area which will be accessible from this room only and comes with laminated wooden flooring. So let's walk into the master bedroom. This is the wardrobe space. If we talk about the washroom, it comes with all the bath fittings and glass partition. In the master bedroom, you will get laminated wooden flooring and VRV AC fittings from developer side. And if you are having any query regarding Birla Navya floors, you can call us on the numbers mentioned on this YouTube video screen. Thank you very much for your time.